सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू अदर वीडियो। तो यार आज हम खेलने वाले पोकेमॉन, लेट्स गो पिकाचू जीबीए। एंड यार ये पार्ट टू होने वाला है। एंड पार्ट वन में आपने दिखा कि हम एक स्टार्टर ट्रेनर थे, नो सीखिए, एंड जिसे हम चैंपियन बने थे। एंड या आज के इस वीडियो के अंदर हम सब लोग पकड़ने वाले पोकेमॉन्स, सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को। बाय द वे सिर्फ पोकेमॉन्स नहीं, लेजेंडरी पोकेमॉन्स को जो भी इन गेम के अंदर एक्सिस करता है। अगली बार हमने म्यूटो तक को पकड़ लिया था, बट इस बार हम बाकी सारे पोकेमॉन्स को कैच करेंगे। एंड या जो लोग पोकेमॉन यूनाइट के फैंस हो, जो लोग सोच रहे हो कि पोकेमॉन यूनाइट के वीडियो कब आएगी, तो भाई बहुत जल्दी आने वाली है। उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा दिन लगेंगे, बट या आई थिंक एक दो वीक के अंदर पोकेमॉन यूनाइट की वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो तुम लोग उसका चिंता तो बिल्कुल मत करो। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हमें काफ़ी सारे पोर्टल मिलने वाले हैं, डायमेंशन पोर्टल, अलग अलग डायमेंशन के। उनके अंदर हमें झांकना है एंड उनके अंदर के पोकेमॉन्स देखने हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन पोर्टल के अंदर देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो फर्स्ट डायमेंशन पोर्टल के अंदर हमें मिला है एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको हम पहले कैच करेंगे। एंड ऑफकोर्स ये कैच हो भी चुका है हमारा। तो उसके बाद हम जाएंगे सेकंड पोकेमॉन को कैच करने। एंड या ये आई थिंक कोई डायमेंशन पोर्टल के अंदर नहीं होने वाली है। एंड इसके लिए तुम्हें इस जगह पे आ जाना है जो पोकेमॉन लेके आसपास होता है, एंड इसको अवॉइड करते हैं। भाई देखिए, तुम्हें पता ही होगा इतने सारे मास्टर बॉल मेरे पास कैसे आए होंगे। सारे मास्टर बॉल मैंने शॉप से खरीद लिया, जो पोकेमॉन लेके पास वाला शॉप होता है उससे ही मैंने खरीदा है। ठीक है, तो वहाँ पर मिल जाते हैं, तुमने अगली वीडियो में देख लिया था। तो ऑफकोर्स इसके बाद तुम्हें यहाँ पर आना है। यहाँ पर एक सीक्रेट केव होगा जो कि तुम्हें पहले नहीं दिख रहा लेकिन अभी दिख रहा है। एंड जब भी तुम इस बंदे के साथ बात करोगे तभी अचानक जिराची तुम्हें कुछ विश कंप्लीट करने आएगी एंड तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उसको कैच करना है। तो फाइनली जिराची भी आ चुका है हमारी टीम में। तो दो लेजेंडरी तुम्हारे आंखों के सामने कैच कर लिए है। अब हमें जाना है उन आइलैंड्स के ऊपर जहाँ पर हमने ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, बट वहाँ के लेजेंडरी हमने छोड़ दिए थे, याद है तुम्हें। वहाँ को हमको जाके लेजेंडरीज को कैच करना है डायमेंशन पोर्टल के थ्रू। तो लेट मी गो गाइस, एंड यहाँ पर हम ऊपर जाके झांकेंगे कि कहाँ पर लेजेंडरी पोकेमॉन जिंदा है। एंड ओके, एक डायमेंशन पोर्टल यहाँ पर है, तो इसको चेकआउट करते हैं। कौन सी? ओ भाई, जैशियन लिटरली। तो यार मेरा फेवरेट पोकेमॉन में से एक है, मैं इसे जल्दी से कैच करता हूँ। ओके, जैशियन मेरी टीम में आ चुका है फाइनली। यार मस्त पोकेमॉन है भाई देवी। तो इसका नाम हम कुछ नहीं रखते, जाके पीसी में इसको सेंड कर देते हैं। एंड अभी नेक्स्ट डायमेंशन पोर्टल ढूंढते वो कहाँ पर है, ताकि हम बाकी सारे पोकेमॉन को अलग अलग डायमेंशन में जाके ढूंढ सके। तो लेट मी गो एंड यू सर्फ। एंड कहाँ पर होगा डायमेंशन पोर्टल भाई साहब, देखते हैं। ओ एक सेकंड, यहाँ पर साइड में एक डायमेंशन पोर्टल था जिसको मैंने मिस कर दिया था, तो इसको मैं अभी चेकआउट करने वाला हूँ। एंड लेट्स सी कौन सा पोकेमॉन। ओके, राजी फैमिली का राजी रॉक। ओके, तो राजी फैमिली का एक पोकेमॉन मिल चुका है जिसको हम जल्दी से कैच कर लेते हैं। एंड अभी आई थिंक हमने चार लेजेंडरी को कैच कर चुके हैं ना, या एक अल्ट्रा बीस्ट एंड तीन लेजेंडरी पोकेमॉन एंड एक माइथिकल भी था आई थिंक। तो चलो यार, चार पोकेमॉन हो चुके हैं यहाँ से। एंड अभी हम जाएंगे दूसरे पोकेमॉन को चेकआउट करने। इस आइलैंड के अंदर ओनली थ्री लेजेंडरी पोकेमॉन मिलते हैं, तो यार लास्ट लेजेंडरी आई थिंक यहाँ पर ही आसपास होने वाला है। एंड यहाँ पर मोल्टेस भी हमें पहले मिला था जिसको हम कैच नहीं कर पाए थे बिकॉज हमारे पास मास्टर बॉल नहीं थी। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से इस रॉक को तोड़ते हैं। यहीं पर एक आई थिंक डायमेंशन पोर्टल होनी चाहिए, ये रहा डायमेंशन पोर्टल। एंड लेट्स सी इसके अंदर कौन सा पोकेमॉन। ओ माय गॉड, लेजेंडरी बीस्ट का बीस्ट मेंबर राइकू। ओके, लेट मी कैच इट। एंड क्या, ये पोकेमॉन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, साइकुन से ज़्यादा नहीं। साइकुन मुझे इसका सबसे ज़्यादा फेवरेट पोकेमॉन है लेजेंडरी बीस्ट में से। तो चलो, लेजेंडरी बीस्ट को हमने कैच किया। एंड अभी हम जाएंगे दूसरे आइलैंड के अंदर। दूसरे आइलैंड के अंदर आई थिंक हमें तीन पोकेमॉन देखने को मिलते हैं। एंड ये मिस्टर केव जो है ना, इसके अंदर तुम्हें दो खतरनाक पोकेमॉन लास्ट में हम खोजेंगे। पूरा वीडियो के एंड में हम देखेंगे, ठीक है, कौन से दो लेजेंडरी पोकेमॉन खतरनाक वाले रहते हैं। तब तक हम यहाँ के ऊपर में एक डायमेंशन पोर्टल होती है, उसको हम चेकआउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऊपर एक डायमेंशन पोर्टल है, एंड लेट्स सी कौन सा पोकेमॉन आता है। OMG, लेजेंडरी बीस्ट का दूसरा बीस्ट पोकेमॉन वाटर टाइप का जो कि सेकुन। ओके, लेट्स गेट इट। एंड अभी हमारे पास हो चुके हैं काफ़ी अच्छे खासे पोकेमॉन। आई थिंक पांच पोकेमॉन तो हो ही चुके हैं हमारे पास ऑलरेडी। तो फाइव लेजेंडरीज हमने यहाँ पर कैच कर लिए। एंड इसको रखते हैं अपने पीसी पर और ढूंढते हैं न्यू पोकेमॉन्स। ओके, लेट मी गो। ओके, अभी हम जाएंगे थ्री आइलैंड पर, बिकॉज टू आइलैंड पर तो एक मिस्टर केव रखी है हमने ऑलरेडी। तो थ्री आइलैंड पर यहाँ पर ओके एक केव है, इसके अंदर आई थिंक और एक डायमेंशन पोर्टल होनी चाहिए। तो जहाँ पर मुझे याद है कि वो भाई क्या पोकेमॉन आ रहे हैं, आई नो मैंने यहाँ पर सुपर मतलब सुपर लेवल यूज़ नहीं किया था, इसके खातिर हमें यहाँ पर एक पोकेमॉन देखने को मिला। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऐसी नहीं होगी। चलो ठीक है, अब यहाँ पर ओके रेजी फैमिली का दूसरा मेंबर रेजी स्टील निकला, तो इसको भी जल्दी से हम कैच कर लेते हैं मास्टर बॉल के थ्रू। ओके, आ जा, आ गया, वेरी नाइस। एंड अभी गाइस यार इसको पीसी में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि यार हम नेक्स्ट पोकेमॉन को कैच कर सके। एंड अभी तुम्हें नहीं पता तो यार यहाँ पर जो केव है ना, इसके अंदर घूमते रहने से तुम्हें कोई एक लेजेंडरी पोकेमॉन मिल सकता है। यस, लेजेंडरी माइथिकल एक पोकेमॉन तुम्हें मिल सकता है। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर रिसर्च करूँगा ताकि मुझे कोई अच्छा खासा पोकेमॉन देखने को मिल जाए इस केव के अंदर। एंड गाइस, थोड़ी देर बाद ही मुझे यहाँ पर विक्टिनी मिल चुकी है, तो मैं जल्दी से इसे कैच कर लेता हूँ। विक्टिनी मेरी फेवरेट पोकेमॉन में से एक है भाई, पता नहीं क्यों बट मेरी फेवरेट है।
तो चलो यार, यहाँ पर अभी हम आगे जाने वाले हैं, एंड आगे भी आई थिंक और कुछ दो पोर्टल्स होने वाले हैं जिनको हमें जाके डायमेंशन पोर्टल्स को एक्टिवेट करना है। देखने वाले हैं कि कौन से पोकेमॉन उनके अंदर रहते हैं। ओके, कोई बात नहीं भाई, अभी सुपर रेपल को इनेबल कर देंगे अपन। भाई यहाँ पर सुपर रेपल को अगर इनेबल नहीं करते ना, मतलब उसके मैक्स रेपल है मेरे पास, सुपर रेपल की जरूरत ही नहीं है। तो यार मैक्स रेपल को इनेबल कर दिए, एंड यहाँ पर और एक डायमेंशन पोर्टल के साथ इटर्नेटस। ओ भाई साहब, इटर्नेटस मिल चुका है, चलो जल्दी से इसे कैच कर लेते हैं। भाई बीरू लोग, तुम्हें इटर्नेटस पसंद है ना? आई नो, ड्रैगन एंड पोइजन टाइप का बात चाहिए पोकेमॉन बिल्कुल से, तो इसको हमने कैच कर लिया है। एंड कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलना कि तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलना कि तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है। तो लेट्स सी यहाँ पर कौन सा है। ओके, रैजी फैमिली का तीसरा मेंबर रैजी आइस, तो इसे भी जल्दी से कैच कर लेते हैं। एंड अभी रैजी फैमिली का लास्ट मेंबर बाकी है जो कि लीडर है रैजी गीगस, ठीक है? अब इसको कैच करने के बाद इसको जाएंगे पीछे में रख देते हैं अपन। एंड अभी हम जाएंगे फोर्थ आइलैंड के अंदर, बिकॉज इन आइलैंड्स पे ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फोर्थ आइलैंड पे तुम्हें काफ़ी अच्छी खासी चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो फोर्थ आइलैंड के स्टार्टिंग पे ही यहाँ पर आई थिंक एक वो डायमेंशन पोर्टल होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर पहले पत्थर तोड़ते हैं, देखते क्या है। ओके, यहाँ पर पहले एक डायमेंशन पोर्टल है, पहले इसको हम चेकआउट करेंगे। एंड अंदर जाने के बाद तुम्हारे पास सरप्राइज, ओ यहाँ पर भी एक खतरनाक सरप्राइज यार डी आएगा। वाओ, दिस इज भाई पावरफुल एजेंट, दिस इज अ टाइम ट्रैवलर, भाई खतरनाक, भाई खतरनाक। चलो इसको हम पीछे पे रखते हैं। अभी हम जाएंगे इस केव के अंदर, एंड इस केव के अंदर तुम्हें दो खतरनाक लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को मिल जाएंगे जो कि जोटो के खतरनाक लेजेंडरीज है। आई नो तुम समझ चुके होगे, यस भाई साहब, वही दो आग का दरिंदा और वो पंछी, वो वाटर टाइप पंछी, वही तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो चलो ऊपर चलते हैं, एंड ओके लेट मी गो। तो यहाँ पर होने वाला है अपना लेजेंडरी बर्ड। ओके, मिल चुका है भाई खतरनाक लेजेंडरी हो। ओ तो यहाँ पर हो मिलने की बाद ही मैं तुरंत इसे कैच कर लेता हूँ, बिकॉज ओ मुझे काफ़ी पसंद है भाई, बट हो से ज़्यादा मुझे लुगिया ज़्यादा पसंद है, कसम से बोल रहा हूँ। एंड हो को जल्दी से पीसी में ट्रांसफर करते हैं, एंड उसके बाद अपन को लुगिया पकड़ना है फिलहाल। एंड लुगिया रहता है डीप समुंदर के अंदर, एंड हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा। चलो वैसे डीप केव के अंदर जा रहे हैं हम, समुंदर तो नहीं, बट या नीचे समुंदर होने वाला है, तो लेट मी गो। भाई साहब कितना नीचे रहता है लुगिया, अबे कितना नीचे रहता है ये पोकेमॉन। चलो फाइनली मिल गया लुगिया यहाँ से, अच्छे खासे स्क्रीनशॉट विनशॉट ले लेता हूँ, चलो यूज़ होगा थंबनेल पर। तो चलो भाई यहाँ पर लुगिया मिल चुका है, एंड फाइनली लुगिया आ जाए भाई पोकेबॉल के अंदर। मास्टर बॉल ही फेंकना पड़ेगा, पोकेबॉल क्या बोल रहा हूँ। तो चलो भाई अपना सेकंड लेजेंडरी आ चुका है, एंड आई थिंक जोटो का बस एक ही पोकेमॉन लेजेंडरी बाकी है, एंड वो हो सकता है इंथाई, एंड वो लास्ट में आई थिंक आ ही जाएगा अपने पास लास्ट होते होते। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं वापस इसी आइलैंड पर, एंड अपन को यहाँ पर कुछ चेकआउट करने जगह। एक सेकेंड यहाँ पर ऊपर देखो। ओके, ये पोकेमॉन है भाई देवी, ये ज़्यादा मुझे ज़्यादा मतलब इसका आई थिंक इसका रीच इतना ज़्यादा नहीं है, बट इसको कैच कर लेते हैं। आई थिंक ये लेजेंडरी या मैथिकल में से कोई एक हो सकता है, लेजेंडरी होगा, कोई बात नहीं रख लेते इसे पोकेबॉल के अंदर, एंड पीछे में टेलीपोर्ट भी कर देते हैं। भाई देवी मेरा फर्स्ट बॉक्स भर चुका है पीसी का, तो सेकेंड बॉक्स में ही रहा है, चलो सही बात है। एंड अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके हमें कुछ और पोकेमॉन्स को कैच करना है, नॉट ओनली पोकेमॉन्स लेजेंडरी पोकेमॉन्स। तो लेट मी गो गाइस, एंड यहाँ पर और एक लेजेंडरी पोकेमॉन दिख चुका है मुझे, एंड कौन सा है? ओ भाई कायग्रे, भाई यार ये मेरे फेवरेट पोकेमॉन है कायगर। बच्चे में कायग्रे कायगर दोनों ही बोल सकते हो तुम्हें, काफ़ी लोग कुछ अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो मैंने दोनों नाम ही ले लिया। तो चलो इसको जल्दी से कैच कर चुके हम, एंड लिटरली मेरे फेवरेट लेजेंडरीज में से एक है भाई, तीनों लेजेंडरीज मेरे फेवरेट है जो कि होएन के है, तीनों लेजेंडरीज मेरे फेवरेट लेजेंडरीज है भाई, क्या ही बोलूँ मैं अब। एंड यहाँ पर कौन सा पोकेमॉन्स है? आई थिंक यहाँ पर भी कोई वाटर टाइप होनी चाहिए, देखते डायमेंशन पोर्टल के अंदर क्या है। डायमेंशन पोर्टल ओपन, एंड चियोरम आइस टाइप का सबसे ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन, एंड ड्रैगन टाइप का भी कैच कर लेते हैं इसे जल्दी से। भाई देवी इसे आइस केव में होना चाहिए था ना कि वाटर के अंदर, बट कोई बात नहीं हम लोग चलते हैं वापस से। एंड अभी हमको जाना फिफ्थ आइलैंड के अंदर, फिफ्थ आइलैंड के अंदर आई थिंक काफ़ी अच्छे खासे पोकेमॉन हमें देखने को मिल सकते हैं। फिफ्थ आइलैंड के स्टार्टिंग पर ही यहाँ पर एक छोटा सा पूल है, एंड इसके अंदर देखेंगे हम क्या मिलता है अपन को। हेलो, कुछ तो होना चाहिए था यहाँ पर भाई साहब। ओके, डायमेंशन पोर्टल तो लेट खुला, बट कोई बात नहीं, अपन इसके अंदर देखते कौन सा पोकेमॉन। और यहाँ पर पोकेमॉन वाई दिखा इसके अंदर, इसका नाम मुझे सही से नहीं पता, बट यहाँ पोकेमॉन वाई बुलाता मैं इसे, एंड काफ़ी खतरनाक है पोकेमॉन भाई, चलो कैच कर लेते हैं। एंड इसको कैच करने के बाद चलो इसे पीसी में ट्रांसफर करते हैं। अभी हमको देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन कौन कौन से है यहाँ पर इस आइलैंड, लिटरली आइलैंड बहुत बड़ा है, एंड यहाँ पर काफ़ी और पोकेमॉन हमको देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ से लॉक है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं ऊपर की साइड। और यहाँ पर और एक डायमेंशन पोर्टल है, लेट मी सी कि कुछ और। ओके, सॉर्ड ऑफ जस्टिस का एक मेंबर मिला हमको,
शॉर्ट ऑफ जस्टिस में पता होगा पोकेमॉन मूवी भी आई थी, तो उसके एक मेंबर हमें मिल चुका है यहाँ पर। ओके, उसके चार मेंबर होते हैं आई थिंक, तो एक तो यहाँ पर मिल चुका है इजिली। एंड इस साइड से देखते कुछ और जगह भी होने के चांसेस है यहाँ पर, भाई साहब नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्टली बैक चलते हैं जहाँ से हम आए थे, बिकॉज वहाँ से भी एक रास्ता जाता था राइट साइड से। ओके, याद है मुझे, हाँ ऊपर से जाता है एक रास्ता। एंड यहाँ पर मुझे देखने को लग रहा है यहाँ पर एक डायमेंशन पोर्टल यस होने वाला था। चलो डायमेंशन पोर्टल के अंदर देखते हैं। एंड ये एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है, इसका भी कैचअप करते हैं अपन लोग। एंड मेरे पोकेबॉल्स आई थिंक मैं 55 या कुछ ऐसी पोकेबॉल लेके आया था, एंड अभी 38 हो चुके हैं। एंड अभी तो भाई 36 हो चुका है, 37 हो चुका है पोकेबॉल। भाई इतने मास्टर बॉल मेरा मतलब गए ना इधर पे, क्या ही बोलूँ मैं, इतने मुश्किल से खरीदता था मैंने, सारा बहुत चीज़ बेचना पड़ा मास्टर बॉल खरीदने के लिए। ओके लेमी गो। एंड यहाँ से आगे जाते हैं भाई, यहाँ पर आई थिंक कुछ नहीं होने वाला, तो थोड़ा आगे जाके देखते कौन सा पोकेमॉन। ओके, और एक डायमेंशन पोर्टल मिल चुका है। एंड लेट्स सी कौन सा डायमेंशन में कौन सा पोकेमॉन मिलेगा। ओ भाई ज़ैक्रॉम, भाई इलेक्ट्रिक टाइप का फेवरेट पोकेमॉन है मेरा, ये लिटरली फेवरेट पोकेमॉन है। जल्दी से कैच करते हैं लेजेंडरी ज़ैक्रॉम को। भाई आई नो तुम्हारा भी आई थिंक फेवरेट ज़ैक्रॉम हो सकता है इलेक्ट्रिक टाइप के अंदर, मुझे तो बहुत पसंद है यार ये पोकेमॉन सच बताओ तो। एंड ओके, इसके अंदर भी कुछ होने के चांसेस है। ओके, यहाँ पर तो मैं ऑलरेडी आ चुका था, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो चलते वापस से उसी आइलैंड पर। एंड यहाँ पर और एक लेजेंडरी पोकेमॉन था, पोर्टल था आई थिंक, तो मुझे चेकआउट करना पड़ेगा कि कहाँ पर है डायमेंशन पोर्टल और एक। ओके, नीचे की साइड एक होना चाहिए था। ओके, यहाँ रहा, ये रहा आई थिंक, ये रहा ऊपर होगा, लेट मी गो। ओके, मिल चुका है डायमेंशन पोर्टल, तो इसके अंदर ओके, तो इसके अंदर लेजेंडरी है जो कि यार आई थिंक यूनो वाले रीजन का लेजेंडरी है, उसमें से एक है लेजेंडरी। तीन सेट होते हैं, लैंडरस, थंडरस एंड टोनेडरस, तो उसका लैंडरस मिला है हमें यहाँ पर। एंड अभी देखते हैं उसके बाकी सेट कहाँ पर है। एंड अभी तो भाई हमको डायरेक्टली आई थिंक हम फिफ्थ पे आए थे, अभी हम सिक्स्थ पे जाना है। सिक्स्थ आइलैंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, फिफ्थ से भी बड़ा है सिक्स्थ आइलैंड, ठीक है। सेवन्थ आइलैंड तो इससे भी बड़ा है, क्या ही बताऊँ मैं। तो लेट्स सी सिक्स्थ आइलैंड के अंदर कितने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन मिलते हैं। तो आई थिंक ऊपर के साइड एक डायमेंशन पोर्टल दिख गया हमको, तो इसको देखते खोल के कौन से पोकेमॉन है। यहाँ पर रेजी फैमिली का लीडर रेजी गीगस मिल चुका है हमें। एंड रेजी गीगस को जल्दी से कैच करते हैं, रेजी फैमिली का लीडर मिल चुका है भाई अपन को, और क्या चाहिए। ओके, रेजी गीगस कैच हो चुका है। एंड अभी भी गाइस बहुत सारे लेजेंडरीज बाकी है अपने को पकड़ने को, बहुत सारे लेजेंडरीज बाकी है, बस वीडियो को देखते रहो यार, बस ये मत समझो कि काफ़ी कम बाकी है यार, इन सब आइलैंड के ऊपर बड़े बड़े लेजेंडरीज तो यहाँ पर है। ओके, शॉर्ट ऑफ जस्टिस का दूसरा मेंबर, आई थिंक इसका नाम तो मेरे को नहीं पता, बट यार जो भी है मैंने इसको मूवी में काफ़ी ज़्यादा देखा है मूवी के अंदर, तो चलो भाई इसको भी पीसी में रख देते हैं। एंड अभी हम जाएंगे दूसरे पोकेमॉन्स की ओर। एंड यहाँ पर ओके, पानी के रास्ते से ओके जाना पड़ेगा अपन को, लामी गो। अब मैं इनको तो पहले हरा दिया था हमने छिंदरों को। ओके, यहाँ से ऊपर से कोई एक रास्ता होना चाहिए था, मुझे जितना पता है कि ऊपर से कोई एक रास्ता, अरे दी दीजिए सॉरी आपके घर पर घुस गया, यहाँ पर कोई तो एक रास्ता। ओके, परचेन घूम रहा, ओके मिल चुका है इस रास्ता। एंड यहाँ पर डायमेंशन पोर्टल, फाइनली एक डायमेंशन पोर्टल और मिल चुका है मेरे को। एंड देखते हैं इसके अंदर, हुपा, ओ भाई साहब क्या ये इन बैटल ये क्या हुपा अनबाउंड बन सकता है, या मुझे कोई आइटम देना पड़ेगा इसे हुपा अनबाउंड बनाने के लिए, देखना पड़ेगा, वो बाद में चेकआउट करेंगे, बट क्या फिलहाल इसको कैच कर लेते हैं अपन। एंड हुपा मेरे एक फेवरेट, मतलब हुपा अनबाउंड मेरा फेवरेट पोकेमॉन है, बोले तो बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को वो, मतलब सभी लेजेंडरी फेवरेट है यार, क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें, सभी लेजेंडरी फेवरेट है। एंड ये लूनाला, ये भी फेवरेट है भाई, सारे लेजेंडरी फेवरेट है। चलो इसको भी कैचअप करते हैं जल्दी से अपन। एंड आजा यो। एंड अभी हम जाएंगे दूसरे लेजेंडरी को कैच करने। ओके, अभी काफ़ी सारा लेजेंडरी बाकी इस आइलैंड पे, ऊपर नीचे हर जगह हमें चेकआउट करना है। एंड आई थिंक ऊपर की साइड ओके नाइस, और एक डायमेंशन पोर्टल फाइंड कर लिया हमने। एंड यहाँ पर क्रसेलिया एक मून पोकेमॉन है जिसको हम जल्दी से कैच कर लेते हैं। एंड आई थिंक मैंने एनीमे के अंदर भी इसको देखा था, मैं एनीमे बोल दिया गलती से, चलो कोई बात नहीं, इसको कैच करके पोकेडेक्स में रखते हैं जल्दी से, पोकेडेक्स सॉरी पीसी में रखते हैं। एंड अभी हम निकलेंगे इस साइड में। एंड ओ भाई ओके, इसको हरा दिया हमने। एंड अभी हम जाएंगे आगे की साइड। एंड यार कैसे लोग मिलते हैं हमेशा यार, चलो कोई बात नहीं, अपन यहाँ से फाइट करने वाले, एंड फाइट नहीं सॉरी पोर्टल। ओ भाई पोकेमॉन एक्स, भाई ये पोकेमॉन इतना ज़्यादा फेवरेट तो नहीं है, बट यार नाम बहुत मस्त है इसका, इसका भाई डिज़ाइन बहुत मस्त लगता है मेरे को, जो भी वो 3D पोकेमॉन गेम में ये पोकेमॉन बहुत कूल दिखता है। एंड अभी हम जाएंगे और डायमेंशन पोर्टल ढूंढने, भाई बहुत बड़ा आइलैंड है, मैंने कहा था बहुत ही बड़ा आइलैंड है सिक्स्थ आइलैंड, देखो यहाँ पर तुम, और एक डायमेंशन पोर्टल मिल चुका है, इसके अंदर कौन सा पोकेमॉन होने वाला है, लामिसी कौन सा पोकेमॉन होगा भाई साहब। ओके,
रेशिरियम भाई साहब फायर टाइप में, भाई मेरा सेकंड फेवरेट पोकेमॉन है, फायर ड्रैगन टाइप में तो पकड़ लो, सेकंड फेवरेट पोकेमॉन है ये मेरा, बिकॉज फायर टाइप में फर्स्ट है तो भाई अपना ग्राउडन एंड ड्रैगन टाइप में फर्स्ट है अपना रायकुजा। तो देखते भाई वो दोनों कब तक मिलते हैं हमें, वो तो मुझे चाहिए चाहिए जल्दी से। ओके एंड अभी आई थिंक गिराटिना भी नहीं मिला ना। ओके देखते कौन सा पोकेमॉन है भाई साहब। आई थिंक ओके मुझे गिराटिना लगा था यार, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन निकल गया, कोई बात नहीं इसको भी हम कैच करते हैं। एंड अल्ट्रा बीस्ट जल्दी से आ जाए हमारे पोकेबॉल के अंदर, एंड इसको भी हम पीसी में यहाँ से टेलीपोर्ट कर देने वाले हैं। तो अभी देखने वाले हैं कि गिराटिना ये सब पालकिया कहाँ पर मिलता है, एंड एंटाई आई थिंक हमने अभी तक कैच नहीं किया है, तो लेट्स सी क्या पोकेमॉन मिलता है आगे। ओके ओके आई थिंक यो 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 यहाँ पर एक डायमेंशन पोर्टल है, एंड देखते क्या। ओके सेलेबी, यस सेलेबी एक आई थिंक कुछ गार्डियन थी इसका नाम, आई थिंक फॉरेस्ट गार्डियन ऐसी कुछ थी उसका नाम, ठीक है ना, फॉरेस्ट गार्डियन, हाँ आई थिंक ये वही थी है सेलेबी। एंड अभी हम देखने वाले यहाँ पर कुछ ओके कुछ आई थिंक पुराने पोकेमॉन्स है जो कि लगभग खत्म हो चुके थे पोकन वर्ल्ड से, बट ये यहाँ पर है। ओ भाई 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 क्या मिल गया, ग्राउडॉन भाई मेरा फेवरेट पोकेमॉन में से एक है, इसे प्राइमल ग्राउडॉन में नहीं बदल सकता, बट जो भी यार ये मेरा फेवरेट पोकेमॉन में से एक है, जल्दी से कैच आ जा, तेरे को टीम में लाऊंगा मैं बहुत जल्दी भाई, तू वेट कर, तू तेरे को टीम में लाऊंगा मैं बहुत जल्दी, ग्राउडॉन भाई फेवरेट पोकेमॉन में से एक है तू मेरा। एंड अभी यहाँ पे वापस से आ चुका हूँ, एंड अभी इस आइलैंड के नीचे की साइड हमें चेकआउट करना है, बिकॉज ऊपर के साइड हमने सब कुछ चेकआउट कर लिया है। अब देखते नीचे की साइड, ओके यहाँ पर एक डायमेंशन पोर्टल देखने को मिल रहा है नीचे की साइड, एंड देखते नीचे की साइड कौन सी डायमेंशन के। ओके तो आप यहाँ पर शॉर्ट एज जस्टिस टीम का लीडर मिल चुका है हमें, एंड इसका लास्ट जो आई थिंक केएलडीओ था केएलडीओ, बट यहाँ पर जो भी है लीडर तो मिल चुका है हमें, इसको जल्दी से कैच करते हैं, एंड कैच हो भी चुका, क्या बोल रहा मैं, चलो कोई बात नहीं। ओके यहाँ पर और एक डायमेंशन पोर्टल है, एंड ओ भाई ये पोकेमॉन मुझे सन एंड मून में दिखाता है, एश ने इसको भगाया था, चलो इसको कैच करते जल्दी से भाई, ये पोकेमॉन मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा सन एंड मून की सीरीज के अंदर, बट चलो कोई बात नहीं इसको हम कैच करते हैं अपने साथ रखते हैं। एंड अभी देखते हैं और कहाँ पर लेजेंडरीज है भाई, और भी लेजेंडरीज पकड़ना बाकी है, 50 की तरह लेजेंडरी पकड़ना है हमें। ओके यहाँ पर और एक डायमेंशन पोर्टल है, एंड लेट्स सी इस पोर्टल के अंदर क्या दिखता है हमें, कौन सा लेजेंडरीज होगा। ओके ये क्रिस्टल पोकेमॉन है डांसी, आई थिंक ये पोकेमॉन मूवी के अंदर दिखी थी मेरे को जितना मुझे याद है, तुमने वो मूवी देखी हो सकती है, XY की मूवी थी, इसको कैच तो कर लिया हमने। एंड अभी देखते हैं आगे की साइड क्या है। ओके ओके ये तो वापस घूम के मैं वहीं पर आ गया, चलो कोई बात नहीं अपन दूसरे आइलैंड पर जाते हैं, सेवंथ आइलैंड सही होगा मेरे लिए, एंड सेवंथ आइलैंड पर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है बिकॉज वो बहुत बड़ा है। ओके लेट मी गो, यहाँ पर एक तो डायमेंशन पोर्टल है, देखते इसके अंदर क्या। ओ भाई जाई गार्ड भाई, पोकेमॉन मस्त ओपी लेवल का पोकेमॉन है, जल्दी से इसे कैच करते हैं अपन। ओके चल जा पीसी में जा, मैं तेरे को बाद में देखूंगा, अभी मैं दूसरे भगवान को कैच करने में बिजी हूँ। ओके ऊपर की साइड पर चेकआउट करते हैं, बाद में नीचे की साइड चेकआउट करेंगे, ठीक है। ऊपर की साइड में ओ भाई यहाँ पर भी एक पोर्टल है, कौन सा पोकेमॉन आएगा, लेट मी सी क्या। ओके पोकेमॉन सन, ओके सन पोकेमॉन यहाँ से हमको मिल चुका है, सोलगेलियो आई थिंक यही इसका नाम है। ओके मिल चुका है भाई अब को ये, एंड इसको जल्दी से पीसी में रखते हैं, एंड अभी दूसरा पीसी फुल नहीं हुआ ना, बॉक्स 2 फुल नहीं हुआ मेरा, चलो कोई बात नहीं, बॉक्स 3 में बॉक्स 2 बहुत जल्दी फुल होगा, एंड बॉक्स 3 खुल जाएगा, लेट मी गो। ओके यहाँ पर कोई लेजेंडरी, ओके मुझे जितना लगता है यहाँ पर गिराटिना होने वाला है, गिराटिना प्लीज़ 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 प्लीज़। ओ भाई साहब मेरी प्रिडिक्शन ठीक रही, ऊपर गिराटिना निकला, और जल्दी से कैच करते इसे। ओके नाइस, फाइनली हमारे पास गिराटिना भी आ चुका है गाइस, और अभी बस पालकिया चाहिए इस थर्ड तीन लेजेंडरी पोकेमॉन के जोड़ी को कंप्लीट करने के लिए। एंड नीचे की साइड हमने देखा कि इस आइलैंड के नीचे की साइड काफ़ी कुछ है, तो देखना पड़ेगा नीचे की साइड, पहले ही एक डायमेंशन पोर्टल यहाँ पर मिल चुका है, एंड लेट्स सी डायमेंशन पोर्टल के अंदर हमें कौन सा पोकेमॉन। एंड भाई साहब ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे जैसे ना जमाजंटा, ये जोड़ी तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ओके एंड आई थिंक रेजी गिगास वाली फैमिली भी कंप्लीट हो चुकी थी, रेजी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ और बहुत सारे फैमिली पोकेमॉन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ओके नीचे की साइड तो कुछ नहीं मिला इधर पे, चल भाई उस साइड चलता है, इस साइड हमें काट लिया गया भाई, पोकेमॉन की फैमिली बाद में देखेंगे कौन कौन से हमने कंप्लीट की है। ओके 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 ऊपर की साइड और कुछ मिला है क्या है इस पोर्टल के अंदर। ओके गर्ल्स लॉर्ड भाई, अल्ट्रा बीस्ट पे मेरा सबसे फेवरेट पोकेमॉन गर्ल्स लॉर्ड है, कसम से बहुत ज़्यादा ओपी दिखता है पोकेमॉन, कसम से बहुत ही ओपी दिखता है ये पोकेमॉन, मेरे फेवरेट पोकेमॉन में से एक है भाई, अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन में से। वैसे ये सन एंड मून का पोकेमॉन था, देखते और कोई पोकेमॉन है आसपास। ओके और एक अल्ट्रा, अबे यार अल्ट्रा बीस्ट तो नहीं, बस यार डायमेंशन पोर्टल है तो कौन सा पोकेमॉन। ओ भाई
थंडरस, मतलब अल्ट्रा भी समझाता पोकोनो का, बट थंडरस मिल गया से। ओके चलो यूनोवा का अच्छा पोकोनो एक मिल चुका हमें। चल भाई पीसी में जा, अभी देखते कौन और पोकेमॉन देखते हैं अच्छा खासा। अब अभी बस हमको आई थिंक टोनाडस चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, इनके जोड़ी को। तो देखते भाई, एंड यहाँ पर जो जंगल रहते हैं ना भाई, ये तुम्हारे पोकेमॉन्स को अच्छा खासा हील कर देते हैं। देखो ऐसे घुमाएंगे तो मैं हील हो जाएगा तुम्हारा पोकेमॉन, बिल्कुल पूरी टीम तुम्हारी हील, ठीक है। इनसे बैटल करते करते पूरी टीम मेरी कमजोर हो चुकी थी। ओके साउंड में प्रॉब्लम आ गई। ओ भाई लिटरली मेरे को ये भी मिल चुका, टोनेडस। ओके नाइस भाई, अब तो चोरी कंप्लीट हो गई, थंडरस लैंडरस टोनेडस, ठीक है तीनों मिल चुके हैं अपन को। अब अभी नीचे के साइड जाके देखते कौन कौन से और चोरी से हमें मिलते हैं। पहले तो यहाँ पर ये रहा, एंड यहाँ का डायमेंशन पोर्टल के अंदर क्या मिलता है। ओ एक सेकंड, टापू बुलू। ओके तो आई थिंक टापू फैमिली भी पूरा हमें यहाँ पर मिल सकती है। टापू ब्लू तो मिल चुका है हमें, तो टापू कोको टापू लीलू या जो भी होते हैं वो सब हमें मिलना चाहिए। तो देखते हैं भाई, एंड और आई थिंक आसपास। ओके और एक और एक और एक साइड में देखो, और एक टापू के साइड में लेटिस आइलैंड के अंदर क्या मिलता है, अच्छा खासा पोकेमॉन मिल जाना, डेपल यूज़ कर देते हैं। चलो देखते क्या मिलता है। ओके ओके भाई लेक गार्डियन, लेक गार्डियन का पहला, आई थिंक लेक गार्डियन तीन रहता है, एक पिंक कलर की, एक ब्लू कलर की, और एक येलो कलर की। पहले लेक गार्डियन मिल चुके हैं हमें, तो देखते हैं और लेक गार्डियंस कहाँ पर है। ऊपर के साइड में एक हो सकती का लेक गार्डियन, लेट सी। ओ नहीं यहाँ पर जेरोरा है, जेरोरा भाई ये भी एक अच्छा पोकेमॉन है, आई थिंक लेजेंडरी या मैथिकल हो सकता है ये पोकेमॉन। चलो कैच कर लेते हैं, क्या भी करते हैं हमें, जेरोरा मिल चुका है गाइस यहाँ पर। एंड अभी देखते भाई नेक्स्ट क्या पोकेमॉन मिलेंगे आसपास। ओके यहाँ पर और एक डायमेंशन पोर्टल है, एंड लेट सी यहाँ पर क्या। ओ भाई लाटियस, लिटरली लाटियस यहाँ पर है बाहर। चलो लाटियस को कैच करते हैं, एंड अभी इसका भाई चाहिए हमें लाटियस, ताकि यार हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। लाटियस एंड लाटियोस दोनों मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है। आई थिंक यहाँ पर भी एक ओड़ा गार्डियन, मतलब सॉरी ओड़ा गार्डियन नहीं, ओके लेक गार्डियन और एक मिल चुकी है हमें, एंड ओके ये ब्लू वाला कलर वाली है। अभी हमको बस येलो कलर की लेक गार्डियन चाहिए, मतलब हाँ लेक गार्डियन येलो कलर वाली चाहिए अपन को, जिसका आँख खुलने से भाई ख़त्म दुनिया। देखते हैं वो कहाँ पर है, कहाँ पर आई थिंक इस केव के अंदर होनी चाहिए वो लामिको, एंड यहाँ पर आई थिंक लास्ट लेक गार्डियन रहने वाली है। ओके लास्ट लेक गार्डियन मिल चुकी है हमें, एंड इसको जल्दी से हम कैच कर लेते हैं भाई साहब। एंड अभी कुछ और लेजेंडरी जस्ट बाकी है। ओके नाइस भाई साहब, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही है ना, मेरी एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा आगे बढ़ रही है। एंड अभी मेरे पीसी तो फुल हो चुके, थर्ड पीसी में गया है, ठीक है बॉक्स 2-3 में गया ये बंदा, मतलब मेरे काफ़ी फुल हो चुके हैं। एंड अब ओके आसपास आई थिंक कुछ और आइलैंड नहीं है क्या, ज़्यादा लालची नहीं बनते, इतने आइलैंड ही होंगे इधर पे, ठीक है इतने आइलैंड ही हो सकते हैं। तो देखिए जल्दी से हम रिपल यूज़ करते हैं, भाई ने पहले यूज़ नहीं किया था। चलो निकलते हैं यहाँ से, एंड आई थिंक उस साइड भी कुछ था ना, मुझे इतना याद है, उस साइड देखते हैं भाई, उस साइड आई थिंक कुछ होना चाहिए अपन। ओके उस साइड भी कुछ है, चलो ओके इस साइड भी एक टापू है, एंड देखते हैं इस टापू के अंदर क्या मिलता है। लेमिगो 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 लेमिगो, एंड कौन सा मिलेगा इस डायमेंशन पोर्टल के अंदर से। ओके टापू फिनी मिल चुका है यहाँ से, मतलब मुझे पता है टापू फैमिली यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है, टापू फैमिली बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। टापू कोको टापू फिनी एंड टापू लीली आई थिंक ये मिल सकता है, आई डोंट नो, मुझे टापू फैमिली का पूरा नाम तक नहीं पता, बट ये पता है चार मेंबर होते हैं उसमें। ओके गो 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 गो, देखते गाइस नेक्स्ट टापू यहाँ पर होने वाला है, एंड क्या आइलैंड के अंदर टापू फैमिली पूरी मिल रही है अपन को, टापू में टापू फैमिली। देखते हैं इसके अंदर कौन सा पोकेमॉन होने वाला है, एंड लेट्स सी कौन सा पोकेमॉन। ओ भाई टापू लीली मिल चुका है मैं। ओके मुझे बस इसका नाम थोड़ा बहुत याद था, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर यही मिलेगी। चलो सही बात है, इसको बॉक्स में रखते हैं, एंड अभी चलते हैं दूसरे पोकेमॉन ढूंढने। ओके रेपल हमने यूज़ कर दिया, एंड अभी हम ढूंढेंगे टापू, आई थिंक टापू को कोई बाकी है ना लास्ट। ओके ओके तो आई थिंक यहाँ पर टापू कोको मिलना चाहिए भाई, देखते हैं। ओ मैन टापू कोको मिल चुका है मेरे को फाइनली यहाँ पर, एंड टापू कोको जल्दी से कैश करते हैं, 60 लेवल का टापू कोको है, टापू कोको हाँ ये प्रोनाउंसिएशन है इसका, मैंने काफ़ी बार प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दी होगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एंड अगर अभी तक मैं वीडियो पसंद आ रही थी तो मेरे दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। ओ भाई साहब यहाँ पर हमारे लाटी वॉस भी मिल चुका है, नाइस, एंड शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ वीडियो। तो भाई साहब यहाँ पर मैं इसको भी कैच कर लेता हूँ जल्दी से, एंड अभी हमको कुछ और मिस्ट्रीज को सॉल्व करना है, क्योंकि काफ़ी सारे पोकेमॉन हमारे पास नहीं आए, तो हमें उन पोकेमॉन्स को पहले पकड़ना है अभी। तो देखते हैं भाई कौन कौन से पोकेमॉन हम पकड़ते हैं यहाँ से, एंड आई थिंक हमारे पास काफ़ी कम सेट पोकेमॉन की हुई है, हमें कुछ और पोकेमॉन्स कैच करना है।
एंड उसी के लिए अपन को जाना पड़ेगा दूसरे जगह, या देखते कहाँ पर जाते हैं अपन। ओके यहाँ पर, ओके ये मुझे याद आ गया। देखो यार यहाँ पर जो था ना गाइस, यहाँ पर हमने कहा था दो मिस्टिकल लेजेंडरीज पोकेमोन है, तो भाई तुम गैस कर लो कौन कौन से होने वाले हैं। फर्स्ट पोकेमोन देख के सेकेंड पोकेमोन गैस करने की ट्राई करना, ठीक है देखते हैं क्या होता है। ओके इसको यहाँ से देखते हैं, इसको इधर से एंड इसको इस साइड से, भाई थोड़ा भी गलती होगा ना खत्म हो जाएगा सब कुछ। ओके अभी यहाँ पर आने वाला है लेजेंड्री एंड आ चुका है यहाँ पर डिऑक्सिस। यो हम लोग का फेवरेट तो नहीं बोलेंगे बट यार मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसका अटैक फॉर्म। एंड जल्दी से आ जा आ जा आ जा, यस। एंड अभी तुम सोचो डिऑक्सिस के साथ कौन सा पोकेमॉन एकदम बैटल लगेगा, कौन सा पोकेमॉन बैटल लेगा एंड कौन सा पोकेमॉन अभी तक कैच नहीं किया हमने बैटल लेगा, और कौन सा पोकेमॉन कैच नहीं किया है वो अभी आप अपन को यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखते हैं भाई कौन सा पोकेमॉन होने वाला है, लेट्स गो। अबे अबे जाने तो दे दे भाई। ओके लेट्स सी। तो भाई साहब हमारा फेवरेट रायकूजा, या मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड आई नो तुम्हारा भी फेवरेट ही होने वाला है रायकूजा। तो हमने इसको कैच कर लिया भाई साहब एंड रायकूजा भी कैच आ चुका है। बट अभी तक काफ़ी सारे टीम्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जैसे कि लेजेंड की बीस्ट की टीम, तो आप उनको यहाँ से एंटाई चाहिए, तो एंटाई को लेने के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर और एक डायमेंशन पोर्टल हमको दिख जाती है, वो आइलैंड वन से तुम्हें यहाँ पर आना है, ठीक है आइलैंड वन से यहाँ पर आना है। एंड अभी तुम्हें यहाँ पर एंटाई, अबे 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 डायमेंशन पोर्टल ऑन करते हैं, चलो ये रहा एंटाई, देख रहे हो तुम इस डायमेंशन पोर्टल के अंदर एंटाई मिलता है भाई साहब। एंड लेट्स गो कैच द एंटाई एंड ओके पोके बॉल, मास्टर बॉल, सॉरी मास्टर बॉल ने एंटाई को कैच कर लिया है एंड अभी हम बाकी सारे पोकन को भी कैच करने वाले हैं। ओके तो अभी मैं इस आइलैंड पर आ चुका हूँ, फिफ्थ आइलैंड पर, ठीक है। एंड इधर पर ही कहीं पर आई थिंक कुछ और हमें मिलने वाला है फिफ्थ आइलैंड पर, कुछ और पोके हमने मिस कर दिए थे। मुझे इतना याद आया कि वहाँ पर एक रिवर थी एंड जहाँ पर हम नहीं गए थे, ठीक है फिफ्थ आइलैंड पर। तो यहाँ पर ये देखो ये वाली रिवर जो है, रिवर सॉरी सी 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 है, तो इधर पे हम आ सकते हैं एंड इनसे बैटल नहीं करना। तो जल्दी से यहाँ पर आओ एंड यहाँ पर और एक तुम्हें डायमेंशन पोर्टल दिख जाएगी जिसके अंदर तुम्हें मिलेगा पालकिया। एंड या इसको कैच करने के बाद हमारा पालकिया डीएल गया एंड किराटिना वाला कंप्लीट हो जाएगा भाई कॉम्बो, टीम कंप्लीट हमारा। तो भाई साहब यहाँ से पालकिया भी हमारे पास आ चुका है एंड अभी आप उनको थोड़ा और चेकआउट करते हैं यहाँ से, अगर एक दो और पोकेमॉन मिल गए तो यार क्या ही बुराई है। ओके इस बंदे से बैटल तो नहीं करनी, लेट्स सी मिस्टर मैंने यहाँ पर एंड यहाँ पर ओके मेटल कुछ मिला अपन को कि यहाँ पर आरकेस वारकेस आ सकता है, आरकेस तो आई थिंक अभी तक नहीं मिला अपन को। भाई साहब आप बताइए कुछ, अबे ये तो स्पैनिश बोल रहा, चलो कोई बात नहीं समझ तो कुछ नहीं आया बट यार कुछ हुआ भी नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक डायमेंशन पोर्टल है, पहले इसको ओपन करते हैं अपन। ओके यहाँ पर एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन मिल चुका है इस डायमेंशन पोर्टल से, तो लेट्स कैच हिम। ओके हो चुका है भाई, वैसे ये लड़का या लड़की नहीं है तो मैंने हिम क्यों कहा, आई डोंट नो सेंटेंस की ऐसी की तैसी इंग्लिश की, चलो कोई बात नहीं। अभी हम लोग बैक जाएंगे सिटी के अंदर एंड देखने वाले कि हम कौन कौन से पोकेमॉन कैच कर चुके हैं। एंड अगर तुम एक्साइटमेंट हो रही है तुम्हें तो तुम लाइक करना मत भूलना, लाइक कर दो यार एंड सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे अमेजिंग कॉन्टेंट पाने के लिए, मतलब पाते रहने के लिए। भाई मैं खुद इतना एक्साइटमेंट में हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ वो मुझे समझ नहीं आ रही, तो यार सारे पोकेमॉन बिखरे पड़े यार शिट। तो गाइस मैं क्या सोच रहा ना, इनको एक सेट में लाइन में लगाते हैं ठीक से, ठीक है सेट करते हैं फिर आप लोगों को दिखाएंगे, क्या बोलते हो? ओके गाइस यार सारे पोकेमॉन यहाँ पर सेट हो चुके हैं एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ, भाई काफ़ी टाइम लगे हुए थे, 10 ऐसे मिनट कुछ लग गए इनको सेट करने में, तो अभी मैं दिखाता हूँ सारे लेजेंडरीज को जो कि हमने कैच किया है। एंड ये रहे गाइस हमारे अचीवमेंट्स, म्यू म्यूटो एंड उसके बाद भाई यहाँ पर ज़ैपडोस आर्टिकुनो मोल्टस को हम कैच नहीं कर पाए बिकॉज उस टाइम पर मास्टर बॉल नहीं थे हमारे पास। तो अभी यहाँ पर बाकी देख सकते हो लेजेंडरी बीच की पूरी टीम आ चुकी है, एंटाई रजी रॉक की पूरी टीम, मतलब रेजी की पूरी टीम, रेजी रॉक, रेजी स्टील, रेजी आइस, रेजी की गाज, उसके बाद यहाँ पर जिराची एंड हो ओ एंड लूगिया एंड यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा रायकूजा, कायोगर एंड ग्राउडॉन एंड डिऑक्सिस और भाई काफ़ी और सारे पोकेमॉन जैसे कि लाटियस, लाटियोस एंड भाई क्रसेलिया भाई साहब। एंड यहाँ पर हमारा लेक गार्डियंस, तीनों लेक गार्डियंस देखने को मिल जाएगा, पालकिया डीएलगा और उसके बाद गिराटिना एंड उसके बाद कुछ विक्टिनी एंड ये रहे शॉर्ड ऑफ जस्टिस के मेंबर्स। आई थिंक केल्डियो नहीं मिला, मैं केल्डियो नहीं मिला, उसको ढूंढना पड़ेगा किसी और, छोटे से वीडियो बना के दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है कोई बात नहीं शॉर्ट्स बना के। एंड ये रहे हमारे कुछ लेजेंडरीज, आई थिंक यूनोवा के थे एंड ये रहा हुपा क्योरम एंड या ड्रैगन पोकन जैक्रॉम एंड ड्रैशेरियम। ओके मस्त एंड ये भी पोकन है, चलो एंड ये डांस वाला एंड यहाँ पर एक्स वाई के पोकेमॉन शुरू होते हैं, ठीक है जाइगार्ड, एटेनेटर्स एंड उसके बाद पोकेमॉन एक्स एंड वाई आएंगे और कुछ ज़्यादा नहीं मिले मुझे पोकेमॉन एक्स वाई सीरीज से, मतलब हाँ जनरेशन सिक्स से
एंड अभी जनरेशन 7 के पोकेमोन आएंगे, जनरेशन 7 के, ठीक है, अभी अभी आने वाले हैं, तो देखते हैं भाई जनरेशन 7 के पोकेमोन। ये है जेरोडा एंड ये सारे अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है जो कि हमने तुम्हारे आंखों के सामने कैच किया है। तो ये देखो कुछ कहा गया रे, ये गज लॉर्ड एंड बाकी सारे पोकेमोन भी अल्ट्रा बीस्ट है, मच्छर पोकेमोन। एंड यहाँ पर टापू फैमिली भी नेक्स्ट आएगी, ये देखो टापू कोको, टापू लीली एंड टापू ब्लू एंड इसके साथ साथ टापू फिनी, यस। एंड इसके बाद पोकेमोन सन एंड इसके बाद लुनाला एंड जशियन एंड जेमाजेंटा यहाँ पर आएगा। तो गाइस यार तुम्हें वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स से बताना मत भूलना। एंड तुम्हें यार ये गेम खेलनी है तो भाई इसकी डाउनलोड कैसे करनी है, अगर तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स को लिख दो, मैं एक दो दिन के अंदर उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के मैं किसी और चैनल में अपलोड कर दूंगा जो कि तुम्हें कम्युनिटी टैब के अंदर बता भी दूंगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसी कॉन्टेंट पसंद है तो यार सब्सक्राइब कर लेना ऑफकोर्सली। एंड यार राइट साइड में तुम्हें एक वीडियो दिख रही है उसमें तुम क्लिक करके तुम वो कर सकते हो, ठीक है, तुम मेरे पार्ट वन को देख सकते हो। एंड लेफ्ट साइड में एक प्लेलिस्ट है जिससे तुम्हें ऐसे रिलेटिव वीडियो मिलती रहेगी उस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, आती रहेगी जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स बाय मीट यू अगेन गाइस।